मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। बिंद की 30 सीटों में नागौर सीट भी अपने आप में हॉट सीट मानी जाती है। अगर इस सीट के इतिहास पर नजर डालें तो अधिकांश तौर पर इस सीट पर दाऊ और दादा का ही कब्जा रहा है। इस पर कभी किला का कब्जा रहा तो कभी गढ़ी का कब्जा रहा। नागौर विधानसभा से वर्तमान में पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक नागेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं, तो वहीं कांग्रेस ने इस बार एक महिला को अपना प्रत्याशी बनाया है जिसका नाम है रश्मि सिंह पटेल। रश्मि सिंह जिला पंचायत में उपाध्यक्ष रह चुकी हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह की टिकट काटकर डॉक्टर रश्मि सिंह पटेल पर अपना विश्वास जताया है। इसके अलावा पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह को जब कांग्रेस से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने आनन फानन में बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता लेकर हाथी पर सवारी कर दी और बहुजन समाज पार्टी से चुनाव मैदान में उतर गए। नागेंद्र सिंह को छोड़ यादवेंद्र सिंह और रश्मि सिंह पटेल भी लगातार 5 साल क्षेत्र में सक्रिय रहे। नागेंद्र सिंह का ऐसा मानना है कि क्षेत्र में सक्रिय रहें या न रहें, उस क्षेत्र के राजा हैं तो प्रजा तो उन्हें वोट देगी ही। वैसे भी नागेंद्र सिंह सार्वजनिक तौर पर मीडिया से यह कह चुके हैं कि मैं आज तक कभी पार्टी से टिकट नहीं मांगी, पार्टी टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ता हूँ। नागौद विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला है। जनता इस बार नागौद विधानसभा से किसे विधानसभा भेजेगी यह तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही समझ में आएगा, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक यह कहते जरूर सुने गए कि यदि यादवेंद्र सिंह के समर्थकों को हार का जरा भी अंदेशा हुआ तो वे अपने सारे वोट एक राजनीतिक रणनीति के तहत नागेंद्र सिंह के समर्थन में पलट देंगे। क्षेत्र में कम सक्रियता के बाद भी चुनावी समीकरण और चुनावी हालात कुछ इस तरीके से तैयार होते हैं कि नागेंद्र सिंह हारते हारते जीत जाते हैं। 2018 के चुनाव में भी हार जीत का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं था। यादवेंद्र सिंह बहुत कम मतों के अंतर से चुनाव हारे थे। चुनाव हारने के कारण ही शायद यादवेंद्र सिंह की कांग्रेस पार्टी ने टिकट काट दी और रश्मि सिंह पटेल निर्दलीय चुनाव लड़ी थी जिसमें उन्हें 25,000 मत मिले थे। शायद इसी वजह के चलते कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बना दिया। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। कृपया विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।